इतना न्यू ब्लॉग था गाइज, अभी का वेदर आप देख सकते हो कितना मस्त हो रहा है। देखिए पीछे रेनबो है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह का रेनबो अभी है। बहुत ज़्यादा अभी पानी पड़ा है। तो गाइज आज फाइनली हम लोग पार्ट टू निकाल रहे हैं, ठीक है। पार्ट वन जैसा कि हम लोग बैटिंग टिप्स का निकाले थे, उसी तरह से बैटिंग टिप्स और बॉलिंग टिप्स का आज पार्ट टू है। तो वीडियो पर बने रहेगा एंड तक, एंड गाइज चैनल पर नया या सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल वाला आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो नहीं किया गाइज तो आईडी सर्च के स्क्रीन पर आपको दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में। पिछला पार्ट को नहीं देखा है तो पिछला पार्ट को भी जरूर से देख लीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा पिछला पार्ट वाला वीडियो को, उसको भी जाकर देख लीजिएगा। उसमें हमने चार बैटिंग टिप्स दिए हैं और ये था गाइज बॉलिंग टिप्स। तो पिछला वाला पार्ट को जरूर देखिएगा। तो आज हम बात करेंगे बॉलिंग टिप्स के बारे में। तो हमारे बॉलिंग टिप्स में होगा पहले कि आप बॉल लेदर बॉल से बॉल को ग्रिप कैसे कर सकते हो। तो हमारे पास अभी लेदर बॉल नहीं है, अगर आपको लेदर बॉल से बॉलिंग सीखनी है तो आप इस तरह की बॉल यूज़ कर सकते हैं जो आपको 25 से 30 रुपए में ईजिली कहीं अवेलेबल मिल जाएगा। तो हम शुरुआत कर रहे हैं। तो पहले आपको अपने बॉल आप थ्रो कैसे कर सकते हैं, बॉल आप जब आप बॉल फेंकते हैं तो आपका बॉल का ग्रिप कैसा होना चाहिए। तो पहले हमें कुछ इस तरीके से बॉल को पकड़ना होता है, और जब आप अगर बॉल को आपको स्विंग करानी है तो आप बॉल को कुछ ऐसे आप ग्रिप कर सकते हैं फास्ट बॉलर के थ्रू। और आप जब आएंगे ऐसे तो आपका बॉल ये ऐसे आएगा, जो बॉल ऐसे ना ऐसे जाके नहीं ऐसे जाएगा, अपोजिट राउंड होगा बॉल आपका कुछ यू ऐसे। अगर आपको नहीं आ रहा है करने लग तो आप कुछ ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे बॉल को राउंड करते रह सकते हैं, जिससे आपका होगा ये कि जब आप बॉल ऐसे आपका जब ये हैबिट हो जाएगा तो आप जब ऐसे आइएगा थ्रो करने बॉल तब ये आपका इजीली ऐसे राउंड अप बैक साइड राउंड हो सकता है। तो बॉल ऐसे जाएगी तो हवा में भी स्विंग हो सकती है और टप्पा खा के भी कट सकती है। हमारी दूसरी टिप है फास्ट बॉलर और इन स्विंग। तो आप फास्ट बॉलिंग कैसे कर सकते हैं, तो फास्ट बॉलिंग के लिए आपको सिंपली बॉल को आप ऐसे सीम पे से आपको ग्रिप करना है इजीली, ज़्यादा टाइट भी नहीं और ज़्यादा लूज भी नहीं। आपको नॉर्मल ग्रिप करना है कि निकले पर थोड़ा जल्दी ना निकले। अब ये नहीं कि आप एकदम मजबूती ग्रिप कर ले कि बॉल हाथ से छूटे ही नहीं, तो आपको पहले अपना ग्रिप लेना है बॉल को। उसके बाद जब आएंगे तो आपको सिंपली अपना ऐसे जैसे बॉल कराते हैं वैसे आप करा सकते हैं हाथ घुमा के। बट आपको उस बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी लेदर बॉल से बॉल कराएं तो हाथ को पीछे ऐसे खींचेगा तो बॉल ऐसे अपोजिट रोटेट होके जाएगा बॉलर के पास, तो स्विंग होने के चांसेस बढ़ सकते हैं और स्विंग होता भी है ऐसे। और उसके बाद हमारा इन स्विंग। तो इन स्विंग में हम जानेंगे कि इन स्विंग होता ही है कि जैसे बॉल लेग से कट के ऑफ में जाता है, उसमें बैट्समैन के चांस कम होते हैं, मतलब उसमें बैट्समैन के आउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप इन स्विंग में थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट आप सीख जाएंगे। तो इन स्विंग के लिए पहले आपको बॉल का लेदर बॉल, तो आपको थोड़ा सा बॉल ऐसे ग्रिप करना है पर ये बॉल का सीम बैट्समैन के सामने नहीं होगा, थोड़ा सा ऐसे होगा। जब आप बॉल को ऐसे रखिएगा आपका हाथ सीधा रहेगा बट बॉल थोड़ा सा बॉल का सीम थोड़ा सा लेग साइड रहेगा। तो जब आप ऐसे आइएगा ऐसे जब आप इसको आपको ऐसे ही खींचना है बट इस उंगली से, ये जो आपका ये वाला उंगली है इससे आपको ऐसे खींचेगा तो बॉल ऐसे ऐसे जाएगी और ऐसे हो जाएगी तो वहाँ से कट के अंदर जा सक जाएगी, ऑफकोर्स जाएगी, आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी पर जाएगी। तो आउट स्विंग में हम लोग जानेंगे कि आप आउट स्विंग बॉल कैसे कर सकते हैं। तो आपको बॉल को सिंपली ऐसे बॉल का ये जो सीम होता है वो ऑफ साइड में होगा और आपका हैंड आपको हाथ नहीं घुमाना है ऐसे ऐसे, आपको सिंपली बॉल का सीम थोड़ा सा ऑफ साइड में होगा और आपको कुछ ऐसे ग्रिप आप देख सकते हैं ऐसे ग्रिप आपको करना है। और जब आप बॉल को ऐसे थ्रो कीजिएगा तो आपको इस फिंगर से ऐसे बॉल को बैक ऐसे खींचना है। आप जब इसे खींचेगा तो बॉल जाएगी और ऑफ से कट के लेग में जाएगी। इसमें बैट्समैन इजीली खेल सकता है बट इन स्विंग में बैट्समैन को थोड़ी दिक्कत होती है कि लेग से बॉल आया उसको रोके चाहे उसको मारने के लिए।
तो आप सीख सकते हैं आउट स्विंग ऑन स्विंग। और पांचवी है यॉर्कर, यॉर्कर भी एक बहुत अच्छी बॉल है तो आप इसको भी सीख सकते हैं। इसमें होता है कि अगर बैट्समैन ने बॉल को अगर बाउंस वो बीट किया तो उसके आउट होने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। तो इसको सीखने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा बट आप सीख जाएगा। कोई इस यॉर्कर बॉल के फेंकने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यॉर्कर बॉल के लिए आपको सिंपली आप जैसे फास्ट बॉलर्स का ग्रिप करते हैं आपको ऐसे ही ग्रिप करना है, बट आपका ये जो है ना ये फर्स्ट ये आपका बैट्समैन की तरफ रहेगा। और आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि आप जब बैट्समैन पैर बाहर निकाले वहाँ यहाँ बैट्समैन के पैर के आगे गिराने के लिए, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। आप वहाँ पे कुछ भी जहाँ बैट्समैन पैर निकालता है चाहे बैट्समैन जहाँ स्टांस लेता है वहाँ पे आप कुछ भी रख के और आप बॉल फेंकने का प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप बॉलर बनना चाहते हैं तो। नहीं तो अधिकतम लोग तो बैट्समैन ही बनना चाहते हैं। तो यहीं पे हम अपनी एंड करते हैं। ये था कुछ बॉलिंग टिप्स जो कि 5 था, ठीक है। कैसा लगा आपको कमेंट में मुझे ज़रूर से बताइएगा। मेरे दोस्त ने आपको सारा टिप्स दे दिया है और यार गाइस ये गांव में सारा मतलब सीखता है क्रिकेट, ठीक है। तो यहाँ आया हुआ था नानी घर तो मैंने बोला कि भाई टिप्स वीडियो बना लो, ठीक है। तो जो भी टिप्स थे आपसे शेयर सारा कर दिया मैंने। कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। या सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो नहीं किया गाइस तो आईडी सोरी के स्क्रीन पे, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। कीप वाचिंग, डू लाइक शेयर कमेंट ऑन माय वीडियो।